दोस्तों, अभी तक आपने एक नागिन को ही अपने नाक के मरने का बदला लेते हुए देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाक के बिना नहीं रह पाती। नाक के मौत के बाद नागिन नाक का बदला लेती है और फिर बाद में खुद मर जाती है। परंतु छपरौली क्षेत्र के गांव में अनोखा ही सच्ची घटना सामने आई, जहां एक नागिन के ऊपर बाइक चढ़ने की वजह से मौत हो गई। परंतु फिर उसके प्रेमी नाग ने जो गांव वालों के साथ किया, उसे जिसने भी सुना डर से कांप गया। दरअसल छपरौली गांव में रहने वाले दो भाई सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनकी खुद की बाइक थी। जब वे घर की तरफ बाइक से वापस आ रहे थे तो रोड में अचानक एक नागिन आ गई। क्योंकि बाइक स्पीड में थी तो पता ही नहीं चला कि कब नागिन गाड़ी के नीचे आ गई। नागिन की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद नागिन के मृत शरीर के पास एक नाग आया और काफ़ी देर तक उसके शरीर के आसपास घूमता रहा। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नागिन को मार डाला है। दोनों भाई ने मज़े से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने चल दिए। परंतु आधी रात को एक नाग खिड़की के रास्ते आया और सुरेश को उसने डस लिया। सुरेश तेजी से चिल्लाया तो नाग खिड़की के रास्ते ही बाहर निकल गया। सुरेश के माता पिता और भाई राम ने जब सुरेश को देखा तो वे डर कर रोने लगे। सुरेश का पूरा शरीर नीला था और मुख में झाग निकल रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर गया और पास के ही प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देखकर ये बता दिया कि इसको एक नाग ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से ये जान लिया कि एक नाग ने बदले की आग में ये सब कुछ किया है। वह सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका यह लड़का सुरेश तो कब का शरीर त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में इसे जिंदा नहीं किया जा सकता। परंतु आपके दूसरे बेटे राम को भी जान का बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नागिन की हत्या करी है। उसका नाग आपके दोनों बेटे को मारना चाहता है और एक को मारने में वो सफल भी हो गया है। अब अगर आपने अपने दूसरे बेटे राम को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो इसके भी प्राण चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नाग आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं छुपा है और मौके की तलाश में है, और केवल महादेव ही अब आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुन राम के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे बेटे के प्राणों का खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वे शिव मंदिर पहुँचे। सपेरे ने राम से कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से 108 बार तुम्हें जप करना है, तथा खुद राम के माँ बाप के साथ शिव मंदिर में ही कहीं छिप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने राम महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोरों से करने लगा। तभी शिव मंदिर पर वह नाग राम को मारने आ गया। जैसे ही वो राम को डसने वाला था, अचानक तेजी से बिजली कड़कती है और नाग के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो वहीं भस्म हो जाता है। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली थी। सपेरे और राम के माँ बाप ये सब देख रहे थे। जब राम का 108 महामृत्युंजय मंत्र जाप पूरा हुआ तो उसे सारी घटना सुनाई तो वो हैरान रह गया। उस नाग से उसे भगवान शिव ने ही बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक भी मिल गया कि गाड़ी चलाते समय हमें सावधान जरूर रहना चाहिए, कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान मासूम की जान ना चली जाए।